विराट से सभी का सच सुनकर क्या करेंगी अब पाखी और भवानी। पर दोस्तों आपको बता दें कि सीरियल गुम है किसी के प्यार में का आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। जो आपने ये तो देख लिया है कि किस तरह से विराट को सभी का सारा सच पता चल गया है, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि विराट ने सई को ही जेल भेज दिया है, ये कहकर कि सई ने उसकी बेटी को किडनैप करके रखा था और एक पुलिस ऑफिसर के घर में जबरदस्ती घुसाई थी। लेकिन अब जहां सई जेल चली गई है वहीं पे सभी की हालत काफी खराब है। लेकिन बात करें विराट की तो विराट ने सबके सामने ये कबूल कर लिया है कि जो सभी है वो उसकी और सई की बेटी है, जिस बात से पाखी तो शॉक्ड ही रह गई। वहीं पे भवानी और पूरा चौहान निवास बहुत ज्यादा शॉक्ड है विराट की ये सारी बातें सुनकर, जिसके बाद आप देखेंगे कि सई तो जेल चली जाती है लेकिन वहीं हम देखते हैं कि विराट से काफी सारे सवाल पूछे जाएंगे। आप आने वाले एपिसोड में दोस्तों देखेंगे कि किस तरह भवानी जो है विराट से बहुत सारे सवाल पूछने वाली है कि आखिर ये सभी है कौन, तू इसको हमारे घर में क्यों लेकर आया है। हालांकि विराट जो है इन सारी बातों का जवाब देने से इनकार कर देता है और कहता है कि अभी सभी की तबीयत काफी ज्यादा खराब है, पहले मेरे लिए वो प्रायोरिटी है, इन सब के बाद मैं आप लोगों का जवाब दूंगा। लेकिन आप देखेंगे भवानी तो चुप हो जाएगी लेकिन भाई पाखी अब चुप होने वाली नहीं है, क्योंकि पाखी को तो सदमा लगा है क्योंकि पाखी के पैरों तले जमीन खिसक गई है। दोस्तों ये तो आप जानते हैं पाखी अब तक इसलिए शांति क्योंकि उसके पास विराट भी था और विनायक था जो कि उसे हमेशा से चाहिए था। लेकिन जैसे ही पाखी को भाई अब ये पता चला है कि सभी जो है विराट और सई की बेटी है, ये सुनकर पाखी तो काफी ज्यादा घबरा गई है कि कहीं अब फिर से विराट पाखी को छोड़ ना दे। इसी बात पर आप देखेंगे पाखी जो है विराट से पूछने लगती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि सभी तुम्हारी बच्ची है, अचानक से तुम्हें ये सारी फीलिंग्स कैसे आने लगी। तब विराट जो है सबकी बातों का जवाब देगा और पाखी से कहेगा कि मुझे ये जब पता चला जब गुंडा यानी कि जगताप जो है हमारे घर के बाहर आया था और उसने मुझे ये सारी सच्चाई बताई कि कैसे उस सई ने मेरी बेटी को मुझसे ही दूर रखा। ये सब सुनकर पाखी शॉक्ड रह जाती है लेकिन पाखी कुछ नहीं बोलती। आगे आप देखेंगे भवानी चुप रहने वाली नहीं है, वहीं पे आप भवानी को देखेंगे कि किस तरह वो फिर से सई को जलील करना शुरू कर देगी। वो कहेगी कि सई ने ये सब जान बूझ कर किया है, सई को पहले पता था कि अब तो विनायक का इलाज हो गया और इस घर में वापस आने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, इसलिए उसने फिर से चाल चली और उस गुंडे को भेजकर जान बूझ कर ये बताया है कि सभी जो है वो विराट की औलाद है, जिससे विराट जो है सई को दोबारा इस घर में वापस ले आए। लेकिन इस बार मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, सई की सारी चालबाजी मुझे समझ में आ रही है। लेकिन अश्विनी को आप देखेंगे, अश्विनी भी वहाँ हैरान खड़ी होती है और बोलती है कि कैसे उस छोटी सी बच्ची को भी विराट से दूर रखा, कितनी गंदी है सई। अब सई की जहाँ इतनी सारी बुराइयां चल रही है तो पाखी का आगे का क्या फैसला होगा, भाई विराट अब क्या क्या करने वाला है सई के साथ, ये तो दोस्तों आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी जल्दी से लाइक कर दें।